આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે સેલવાસ ખાતે યોગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. દાદરા નગર હવેલી પ્રશાસન અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ નિમિત્તે દમણગંગા રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોગ શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું. કલેક્ટર કંદન ગોપીનાથન હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં મુંબઈ યોગા યુનિવર્સિટીમાંથી આવેલ યોગ ઉપસ્થિત લોકોને યોગાભ્યાસ કરાવ્યો હતો, જેમાં લોકોએ વિવિધ આશાનું કાર્ય કર્યું હતું. શિબિરમાં 1000થી વધુ લોકોએ શિબિરનો લાભ લીધો હતો. કલેક્ટર કન્નડ ગોપીનાથન, એસપી શરદ દરાડે, જી પ્રમુખ રમણભાઈ કાકવા, પાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ સહિત અન્ય અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, આશાવર્કરો અને જાહેર જનતાએ ભાગ લીધો હતો. આની સાથે પ્રદેશમાં વિવિધ સ્થળો જેવા કે આમલી ગાયત્રી મંદિર મેદાન ખાતે, પતંજલિ દ્વારા લાયન્સ સ્કૂલમાં, ખાનવેલ ટાઉન હોલમાં નારોલી ટાઉન હોલ ખાતે, બ્રહ્માકુમારી દ્વારા પાતરિયા ફરિયા ખાતે કેન્દ્ર પર, દાદરા ટાઉન હોલ ખાતે, સામે હોલ ખાતે, ખાનવેલ પંચાયત હોલ સહિત વિવિધ પંચાયતો અને શાળાઓમાં યોગનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. મુકુલ યાદવ, ZS TV, સેલવાસ. और ज़्यादा लोग योगा में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. मोदी जी ने जो ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम, और आप देख रहे हैं आज योगा कहाँ से का फर्स्ट योगा डे से लेके आज तक योगा बहुत बढ़ गया है. सब लोग रुचि लेने लगे हैं, जिम छोड़कर अब सब योगा करने लगे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. और हम चाहते हैं कि हर साल हम आके योगा करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्ट लें. मेरे साथ है अनु और अनुषा, और ये है पाखी. ये भी हमारे साथ 5 साल से, ये सिलवासा से यहाँ पे कर रही है योगा. हम योगा इंस्टीट्यूट से आते हैं हर साल बॉम्बे से. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून के तौर पर. पूरे विश्व भर में ये बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है. हमने भी उसी तरीके से यहाँ अपने प्रशासन दादरा नगर हवेली की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है. लोगों ने काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी लोग एकदम उत्साह और उमंग के साथ पाए गए. योग जो है अपनी भारतीय का एक पुरातन शास्त्र है. ये सिर्फ तन के लिए नहीं, मन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत सहायक करता है. बीमारियों की रोकथाम में सहायक करता है. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. वो जो चीज़ है वो योग के माध्यम से हमको हम प्राप्त कर सकते हैं. योग जो है इसमें अलग अलग प्रकार हैं. क्रिया योग है, जप योग है, बहुत सारे प्रकार हैं. उसमें अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, प्रत्याहार और समाधि, इस प्रकार 8 प्रकार का पाया जाता है. तो यम और नियम जो होते हैं, ये शरीर और मन को कैसे कंट्रोल करना है, आहार से कैसे कंट्रोल करना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि इसमें समाविष्ट हैं. तो इनके माध्यम से व्यक्ति पहले अपने मन के ऊपर कंट्रोल करे, अपने शरीर को योगा के लिए योग्य बनाए. उसके बाद में योग हम करेंगे तो उसका लाभ त्वरित गति से और शीघ्रता से प्राप्त होता है, और वो उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. योगा ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया और छोड़ दिया. ये हर दिन करने वाला अभ्यास है योगा.